खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर परसों वोटिंग होनी है, उनमें से एक सीट है मऊ की, घोसी लोकसभा सीट। घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद हरिनारायण राजभर को फिर से मैदान में उतारा है। हरिनारायण को टक्कर देने वाले महागठबंधन उम्मीदवार अतुल राय रेप के आरोपों में फरार चल रहे हैं। इस सीट पर राजभर की पार्टी से महेंद्र राजभर भी उम्मीदवार हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने महेंद्र राजभर को कटप्पा कहा था, लेकिन अब यही कटप्पा मोदी के साथ नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप सभी का चुनाव निशान छड़ी, सभी का जवान साथियों का चुनाव निशान छड़ी, माताओं और बहनों का चुनाव निशान छड़ी, सभी भाइयों का चुनाव निशान छड़ी। भाइयों बहनों, एक चलचित्र आया था बाहुबली, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है, ये छड़ी काफी है, ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटप्पा थे, आज वो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट के प्रत्याशी सुहेलदेव, भारतीय समाज के प्रत्याशी महेंद्र राजभर की। आप सर 2017 में मोदी के कटप्पा बने थे बाहुबलियों का वध करने के लिए, और इस समय आप खिलाफ खड़े हैं। ये 17 से लेकर 19 तक के बीच में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का नमस्कार करता हूं। हम मोदी जी के साथ नहीं थे। मोदी जी अपना कटप्पा कहे थे, भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारतीय समाज पार्टी के खाते में मऊ सदर विधानसभा की सीट मिली थी, वहां से हमारी पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाया था। हम पार्टी के उम्मीदवार थे, हमारा प्रचार करने के लिए मोदी जी आए थे। प्रचार में आपको उन्होंने कहा था कि आप उनके कटप्पा हैं और यहाँ पर बाहुबलियों का खात्मा करेंगे आप। अरे भाई, तो ये भी बात है कि जहाँ उनके उम्मीदवार लड़े थे तहाँ हमारे नेता जा करके उनका सपोर्ट किए, उनका समर्थन किए, उनको प्रदेश के पंचायत में जाने के लिए। जहाँ मैं लड़ रहा हूँ हमारी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लोग आएंगे, आकर के प्रचार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा और उनका समझौता था इसके वजह। ठीक बात, गठबंधन की बात हम समझ रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में आपके प्रचार के लिए जब आए थे तो उन्होंने आपको अपना कटप्पा बताया था ना? मुझे कटप्पा जरूर बताए थे। आज मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूँ तो भारतीय समाज पार्टी, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का इंतजार किया, इंतजार करते 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 जब नाक से ऊपर पानी होने चढ़ना शुरू किया तो हम लोगों को अपना उम्मीदवार घोषित करना पड़ा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी लाव लश्कर और पूरी हैसियत के साथ लगे हुए हैं, लेकिन खाता नहीं खुल सकता है भारतीय जनता पार्टी का। ये पिछली बार तो आप लोगों ने महागठबंधन बीजेपी और जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन था उसको चुना था, इस बार क्या माहौल है? दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सिर्फ भारतीय समाज पार्टी का माहौल है, क्योंकि यहाँ के जमीनी नेता हैं महेंद्र राजभर जी, और यहाँ से यही जीत कर जाएंगे और दिल्ली में क्या कारण रहा कि दोनों पार्टियां नाराज हो गई? आप लोग कैसे देखते हैं, बीजेपी को मजबूत मानते हैं या राजभर की पार्टी? राजभर की पार्टी को। कटप्पा के खिलाफ खड़ा बना तो उनको हक ना मिलल, अपन अलगा हो गए। यहाँ का सांसद, यहाँ का तो विधायक जेल में रह के जीत गए, अब वही तो फरार बना, उनके जेलो नहीं खेल तो उनके ऊना जीत सकेल। हम लोग तो जो हमारा हक देगा उनको पसंद करेंगे। जिंदाबाद।
इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी संसदीय क्षेत्र पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर जी हैं। सर, आप इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, इस बार फिर से प्रत्याशी हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं इस बार घोसी में? माहौल तो घोसी में ऐसे क्लियर हो गया है कि बीजेपी चुनाव निकाल चुकी है, जीत चुकी है। अब वोट पड़ेगा, काउंटिंग होगी, बीजेपी जनता के मन में बीजेपी जीत चुकी है।